हेलो व्यूवर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन किया हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो कीपैड यहाँ पे ओपन हो रहा है, जिसके बैकग्राउंड में जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ़ोटो दिख रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो आपका कीपैड है, कीपैड के बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो या इमेज आप कैसे लगा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो का शुरुआत करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, किसी भी मोबाइल के कीपैड का के बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो या इमेज लगाने के लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर प्ले स्टोर से आपको एक ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर का जो सर्च बॉक्स में दोस्तों, यहाँ पर गूगल इंडिक की लिखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गूगल इंडिक की बोर्ड मैंने पहले ही अपने मोबाइल में यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। तो दोस्तों, अगर आपने अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो दोस्तों, आप पहले इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। और दोस्तों, इसके बाद जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कीबोर्ड दिया है दोस्तों, चूँकि आपको कीबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग करनी है, तो दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड पर हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे थीम दिया है, तो इस थीम पे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले से बने बनाए कुछ थीम हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं, कोई भी फ़ोटो अगर लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप माई इमेज पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हम कोई एक फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इसको जो है ड्रैग करके जो है जो एरिया है उसके अंदर इसको हम सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे। और फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम डन पे प्रेस करेंगे। और डन पे प्रेस करने के बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका आप यहाँ से ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, मैंने ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा दिया है। और फाइनली दोस्तों, इसको यहाँ पे डन पे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से कीबोर्ड के बैकग्राउंड में कोई भी फ़ोटो हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। और पुनः अपना ये व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, जैसे ही आप देख रहे हैं, जैसे ही हम प्रेस कर रहे हैं, तो दोस्तों देख रहे हैं, हमारे कीपैड के बैकग्राउंड में हमारा इमेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।